children, good morning to my lovely and little flowers. Say good morning and say loudly, very good morning. Very good morning madam, I say good night, but loudly, okay? समझ में आ गया? Okay. और आप सब अच्छे तो हो ना, मजे में तो हो ना? Very good. मजे में है तो बहुत बढ़िया है। तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में हमने लास्ट वीडियो में कैपिटल लेटर्स ए टू एल तक लिखना सीखा। मतलब वैसे तो आप सबको आता है, क्योंकि जूनियर में आप सबने सीखे, तो भी हम एक बार कैपिटल लेटर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो ए टू एल तक हमने रिवीजन किया, आज हम एल टू जेड तक का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एन से। तो ये थ्री लाइन में लिखना है एम, तो इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ऊपर फिर से स्लैंटिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। ए हो गया एम, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी। एम, एम के बाद क्या आएगा बताओ? एन। तो एन में इस तरह से दो स्टैंडिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन, और फिर ये वाली ऊपर से नीचे की तरफ स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया कैपिटल एन। एन फॉर नोज, एन फॉर नोज, एंड फॉर नेस्ट, घोंसला, चिड़िया का, बर्ड्स के जो घोंसले होते हैं उसको नेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। सो एंड फॉर नोज, एंड फॉर नेस्ट, एंड एंड देन क्या आएगा बताएगा कोई मुझे? क्या आएगा? यस, ओ। वो के लिए इस तरह से एक और करना है, फिर उल्टा कर। ये हो गया ओ। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउट, ओ फॉर आउट, एम एंड ओ। ओ की बार क्या लिखेंगे? हाँ, पी। पी के लिए स्टैंडिंग लाइन, और ये पिंक लाइन और ये फर्स्ट ब्लू लाइन है, वहां तक कर्व करना है। सो पी। ई फॉर पैरो, ई फॉर पैरो, ई फॉर पीको, ई फॉर पैरो, ई फॉर पीको, ई फॉर पेन। सबको याद तो है ना कौन कौन से वर्ड होते हैं? वो पी नहीं है तो अब याद कर लेना है फिर से, क्योंकि भूल गए। वेकेशन में कोई पढ़ाई नहीं थी इसीलिए भूल गए होंगे, तो अब याद कर लेंगे। ओके, सो एम एन ओ पी क्या आएगा? यस, क्यू। तो क्यू के लिए भी वो की तरह दो और बनाने वाला भी इस तरह से। सो क्यू, Q for queen, Q for queen, रानी। और Q for queen, जो पंख होता है वो बर्ड का जो पंख होता है उसको queen बोलते हैं। ठीक, so N N O P Q। और Q के बाद क्या आता है? R, very good। तो R के लिए क्या करेंगे? Standing line। और फिर ये पी जैसे किया वैसे करना है, और फिर यहाँ पे जहाँ पे कर्व खत्म हुआ वहां से स्लैंटिंग लाइन। तो आर, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज, देन आर के बाद क्या आएगा? एस। क्या आएगा? इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से कर्व करना है, ऊपर वाली पिंक और ब्लू लाइन में,
अभी नीचे इससे उल्टा कर दो, मैं ये बन गया एस। एस फॉर सन, एस फॉर सन, समझ में आया? एस फॉर सन। सो एम एन ओ पी क्यू आर एस, उसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड, टी। तो टी के लिए ये ऊपर की फर्स्ट पिंक लाइन है, वहां पे स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, तो ये हो गया टी। टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टॉय खिलौना, टी फॉर टॉय, टी फॉर टाइगर। सो टी, टी के बाद यू, तो यू के लिए स्टैंडिंग लाइन, यू लाइन तो फिर इस तरह से मोड़ना है और पी पर ले जाना है, तो ये बन गया यू। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूटेंसिल्स, बर्तन, जो किचन में जो सारे बर्तन होते हैं उसको यूटेंसिल्स बोलते हैं, तो यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूटेंसिल्स। सो आर एस टी यू, और यू के बाद हाँ वी, सो वी के लिए स्टैंडिंग लाइन, पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक, और फिर उसके ऑपोजिट दूसरी स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया वी। वी फॉर वैन, वी फॉर वायोलिन, वी फॉर वैन, वी फॉर वायोलिन। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये क्या आएगा? यस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन, इसके नीचे स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से, यानी दो बी बना, तो ये हो गया डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर क्या होता है? बिल, डब्ल्यू फॉर बिल, डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर बिल, डब्ल्यू फॉर वॉच। देन क्या आया? बोलो एक्स, एक्स के लिए स्लैंडिंग लाइन और दूसरी स्लैंडिंग लाइन इस तरह से क्रॉस, ये बन गया एक्स। एक्स फॉर एक्स मस्ट बी, एक्स फॉर एक्स मस्ट बी, एक्स फॉर एक्स रे, मैंने बताया था कि एक्स रे क्या होता है, तो एक्स फॉर एक्स मस्ट बी, एक्स फॉर एक्स रे। और क्या आएगा एक्स के बाद? एक्स के बाद वाई, वाई के लिए ब्लू लाइन तब स्टैंडिंग लाइन, फिर ब्लू से और फिर नीचे, तो एक्स वाई, वाई फॉर यार्ड, वाई फॉर यार्ड। एंड लास्ट में क्या आएगा? जेड, जेड फॉर ज़ेब्रा, तो इस तरह से ब्लू लाइन में स्लीपिंग लाइन, फिर नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन और फिर से स्लीपिंग लाइन। सो जेड फॉर ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ेब्रा, सबको याद है ना, जेड फॉर ज़ेब्रा। तो इस तरह से आपको एन से जेड तक रिवीजन करना है फिर से आपकी इंग्लिश की नोटबुक में, और बोलते जाना है कि एम फॉर मंकी, एन फॉर नोज, जितने वर्ड आते हो उतने वर्ड आपको बोलते जाना है, लिखते जाना है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से लेटर से कौन सा पिक्चर होता है, कौन सा वर्ड होता है। पिक्चर दिया गया है तो आपको पहचान आना चाहिए, वॉच दिया गया है तो वॉच का पहला लेटर क्या आएगा? डब्ल्यू। मंकी का पिक्चर दिया है तो एम, तो इस तरह से आपको पता चल जाए, इसीलिए
बोलते ही जाना है और लिखते ही जाना है, और अच्छे से ध्यान से लिखिएगा, कौन सी लाइन में लिखना है वो भी आपको पता होना चाहिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं जाना चाहिए, नहीं ओके। अपनी समझ से अच्छे से लिखिएगा, नहीं पता चलता है तो मम्मा या पापा की हेल्प लेनी है। फिर से एक बार बोल देते हैं, एम फॉर मम्मी, एन फॉर रोज, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरो, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज, एस फॉर सन, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई फॉर यार्ड, जेड फॉर ज़ेब्रा। ओके, फिर से एक बार ए बी सी डी ओरली बोल देंगे पूरी मेरे साथ, गाना है आपको कल सिखाएगा बेस। ए बी सी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लैप 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 क्लैप, वेरी गुड, सबको अच्छे से ध्यान से सिंग करना आ गया, ओके वेरी गुड। तो आप ये वाला होमवर्क अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कर दीजिएगा, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट।